वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो है यूनिट फिफ्थ का एक टॉपिक, दैट इज फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग। फूड साइंस क्या है? देखिए, फूड हमने पहले के वीडियो लेक्चर में पढ़ा है कि कोई भी कंपोनेंट जो हम बॉडी में इंजेस्ट करते हैं, लेते हैं, डालते हैं, जो हमें इन टर्न हमारी बॉडी को एनर्जी देता है या न्यूट्रिएंट्स देता है। तो फूड साइंस क्या है? फूड साइंस का मतलब है कि साइंटिफिक मेथडोलॉजी और साइंटिफिक एप्लीकेशन का यूज करके हम ये पता लगाएं कि फूड की कॉम्पोजिशन क्या है, फूड बना किन चीजों से है, उसके कॉम्पोनेंट्स क्या है। ठीक, दैट इज फूड साइंस। अब इसके अंदर भी बहुत सी स्पेशलिटीज आ जाती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो फूड साइंस बेसिकली क्या है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज करके हमें यह पता लगाना है कि जो भी हम खा रहे हैं उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, वो किन चीजों से बना हुआ है, उसकी अगर कहीं तो इंटरैक्शन क्या होगी दूसरे मटीरियल्स के साथ, और वो किस तरह हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट है या हार्मफुल है। फाइन, तो दैट इज फूड साइंस। और फूड प्रोसेसिंग क्या है? फूड प्रोसेसिंग इन सिंपलर टर्म्स कि जब एक रॉ फूड मटेरियल को, एक कच्चे खाने को एडिबल फॉर्म में खाने लायक उसे बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड फूड प्रोसेसिंग। सिंपलेस्ट फॉर्म में आप देख लीजिए तो पोटैटो के पोटैटो चिप्स बनाए जाते हैं या टोमेटो का टोमेटो सॉस बनाया जाता है, दैट इज थ्रू द फूड प्रोसेसिंग। तो सिंपल टर्म में हमें समझ आ गया, दैट इज कि फूड साइंस में हमें यह पता लगाना है कि फूड के कॉम्पोनेंट्स क्या है, किन चीजों से बना है, एंड फूड प्रोसेसिंग इज कि जब हम रॉ फूड मटेरियल को एडिबल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इनकी डेफिनेशन। सो फूड साइंस इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स टू अंडरस्टैंड द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फूड। तो हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज करके फूड के ये तीनों एस्पेक्ट्स के बारे में जानना है। फिजिकल मतलब उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी शेप, उसका आउटर, यू कैन से कि आउटर फॉर्म कैसी है। देन कम्स द केमिकल कि केमिकली उसमें क्या क्या मटेरियल्स मिलते हैं, कौन से मिनरल्स उसके अंदर पाए जाते हैं या मेटल्स तो नहीं है उसमें, क्या क्या मटेरियल्स उसके अंदर है, दैट इज अबाउट द केमिकल मेकअप। एंड लास्ट इज बायोलॉजिकल कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, प्रोटीन्स कितने हैं, फैट्स कितने हैं। तो फूड साइंस में हम साइंटिफिक एप्लीकेशन का यूज करके ये पता लगाते हैं कि फूड की कॉम्पोजिशन कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट कैसा है। फाइन, अब इसके अंदर इंडिविजुअल ब्रांचेस आ जाती हैं जो कुछ कुछ पर्टिकुलर यू कैन से कि एरिया पे फोकस करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है फूड केमिस्ट्री। तो फूड केमिस्ट्री का फोकस कहाँ होता है? इट इज टूवर्ड्स द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फूड। तो जो भी फूड साइंटिस्ट यू कैन से फूड केमिस्ट्री में जाके स्पेशलाइजेशन करते हैं, उनका पूरा फोकस होता है फूड कॉम्पोजिशन को स्टडी करना कि फूड के कॉम्पोनेंट्स क्या है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर है, कौन कौन सी चीजें उसमें मिलती हैं। फूड माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, यहां पे जो फोकस है दैट इज टुवर्ड्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि फूड के अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। जैसे कि हमें पता है हम फूड को फर्मेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, यीस्ट। ठीक है, ब्रेड बनाने के लिए या घरों में भी जब फर्मेंटेशन की जाती है तो यीस्ट यूज किया जाता है। एंड व्हाट इज यीस्ट? यीस्ट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज फ्रॉम द फैमिली फंगाई, फंगस की फैमिली से वो होता है। ठीक है, तो यही सब देखना कि किस फूड में कोई कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, दैट स्टडी अंडर द फूड माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट इज फूड इंजीनियरिंग। फूड इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज करके फोकस किया जाता है फूड पैकेजिंग पे और फूड प्रोसेसिंग पे। ठीक है, एंड लास्ट इज फूड टेक्नोलॉजी। इसमें भी फोकस होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके फूड प्रोडक्शन, उसकी प्रिजर्वेशन, उसकी पैकेजिंग, उसकी हेल्थ बेनिफिट या उसका क्वालिटी कंट्रोल, इन सब पे फोकस किया जाता है फूड टेक्नोलॉजी में। तो फूड साइंस के अंदर फोर मेजर यू कैन से ब्रांचेस आती हैं। फूड केमिस्ट्री दैट फोकस ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ फूड, फूड माइक्रोबायोलॉजी दैट फोकस ऑन द यू कैन से कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या है, देन फूड इंजीनियरिंग जहां पे फोकस होता है इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज करके फूड पैकेजिंग पर, एंड फाइनली फूड टेक्नोलॉजी जो फोकस करती है प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फूड। ठीक, नेक्स्ट फूड प्रोसेसिंग, जैसे मैंने आपको बताया व्हाट इज दैट, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू अ एडिबल फॉर्म सच एज फ्रोजन
इट इज जी फ्रोजन कैंड ड्राइड और फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स। तो ये सब जो है ये टेक्निक्स हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, फूड प्रोसेसिंग की टेक्निक्स हैं ये। इनके थ्रू रॉ मटेरियल को, रॉ फूड प्रोडक्ट को एक एडिबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अब फोर्टिफाइड क्या होता है? जब किसी फूड के अंदर एडिशनल न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं, जब किसी फूड मटेरियल में एडिशनल न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं तो उसको कहा जाता है फोर्टिफिकेशन। जैसे आप देखें कि आपने ऐड देखी होगी नमक की, सॉल्ट की, सॉल्ट में क्या होता है आयोडीन, ठीक है, वो एडिशनली उसमें ऐड किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द फोर्टिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक, अब आज के दिनों में क्या किया जा रहा है कि वीट या मेज में ऐड किया जाता है आयरन, ठीक है, कि नॉर्मली हमारे मतलब नॉर्मली लोग वीट और मेज तो खा ही रहे हैं, तो उसी के साथ उनको आयरन भी सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट भी मिल जाए, उन्हें एडिशनली अलग से वो ना लेना पड़े, उसके लिए क्या होता है कि वीट और मेज के अंदर ही आयरन डाल दिया जाता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। ठीक, जैसे कि सॉल्ट में आयोडीन डाला जाता है, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द फूड प्रोसेसिंग। तो फूड फोर्टिफिकेशन की अगर बात की जाए वो भी फूड प्रोसेसिंग का ही पार्ट है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड साइंस की, फूड साइंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो सबसे पहले आ जाता है अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ फूड, क्योंकि हमें ये जानना है कि फूड के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स और कितने अमाउंट में हैं, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। हर इंसान की जो नीड होती है वो डिफरेंट होती है। कुछ लोग अगर बॉडी बिल्ड कर रहे हैं तो उन्हें डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स चाहिए, कुछ लोग अगर अपना वेट लूज कर रहे हैं तो दे नीड टू हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर ग्रोइंग बच्चे हैं तो उनको अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस चीज को खाने से कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है? दैट विल बी ओनली आफ्टर फूड साइंस। ठीक है, फूड साइंस वो स्टडी करेगी कि किस फूड मटेरियल में कितने कार्ब्स हैं, कितना प्रोटीन्स हैं, और उससे हमें ये जानने में और अपना डाइट प्लान करने में यू कैन से इजी होगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है स्टडिंग द केमिकल रिएक्शन एंड इंटरेक्शन। फूड साइंस में, जैसे मैंने आपको बताया कि फूड साइंस में फूड का फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी स्टडी किया जाता है। तो आप देखें कि जब भी ये कॉमन पैरलेंस में ये कहा जाता है कि गर्म खाना जो होता है उसे प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त जब हीट होती है तो प्लास्टिक से एक बहुत हानिकारक प्रोडक्ट निकलता है, दैट इज BPA, बिस्फिनोल ए, और ये एक कार्सिनोजेनिक है। ठीक है, कैंसर कॉजिंग एजेंट है ये। तो गर्म चीजों में, मतलब जब फूड प्रोडक्ट अगर गर्म है तो वो प्लास्टिक के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो रिलीज कर रहा है BPA। तो ये इंटरैक्शन हमें कहां से पता चलती है? फूड साइंस से, कि हमें किस फूड मटेरियल को किस कंटेनर में स्टोर करना है। ठीक है, अगर मेटल कंटेनर है तो जो फूड प्रोडक्ट, अगर हम एसिडिक फूड डाल रहे हैं तो उसमें रिएक्शन होगी, उससे मेटल लीच आउट तो नहीं करेंगे, फूड स्पॉयलेज तो नहीं हो जाएगी, खराब हो जाएगा खाना। तो ये सब भी हम स्टडी करते हैं फूड साइंस में, जिससे हम ये पूरा डिसाइड करते हैं कि फूड को किस कंटेनर में, किस पर्टिकुलर फूड को किस पर्टिकुलर कंटेनर में स्टोर करना है, या किस फूड प्रोडक्ट को किस फूड प्रोडक्ट के साथ नहीं खाना है। यू कैन से ना, कहा जाता है कि जैसे कि मिल्क के साथ यूजुअली नमकीन चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, इट विल हैम्पर योर बॉडी। ठीक है, तो इसी तरह से रिएक्शन जो वेरियस फूड प्रोडक्ट्स की रिएक्शन और इंटरेक्शन को भी हम फूड साइंस के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेटिंग द माइक्रोबियल एस्पेक्ट। जो हमने कहा कि फूड माइक्रोबायोलॉजी में होता है कि उसके अंदर कौन से बैक्टीरिया, कौन से वायरसेस, जैसे कॉमन बैक्टीरिया जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, दैट इज इन द कर्ड। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट आ जाएगा डेवलपिंग न्यू फूड प्रोडक्ट्स। तो फोर्टिफिकेशन से हम नए नए फूड बना रहे हैं जिसके अंदर हम मोर न्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन कर रहे हैं, तो दैट ऑल्सो कम्स थ्रू अ फूड साइंस। लास्ट इज प्रिजर्विंग फूड। तो फूड को, उसकी जो शेल्फ लाइफ है उसे बढ़ाया कैसे जा सकता है, उसे बिना खराब हुए लंबे समय तक रखा कैसे जा सकता है, वो भी हम स्टडी करते हैं फूड साइंस में। वेरियस टेस्ट करके ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट फूड के अंदर ऐड ऑन करने से फूड की जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो वो कौन से प्रोडक्ट होते हैं? वो होते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स, जो हेल्प करते हैं हमें फूड क्यों प्रिजर्व करने में। आपने घरों में भी देखा होगा कि अगर स्टॉक में ज़्यादा सामान लाया जाता है, जैसे अगर सपोज वीट को लार्ज अमाउंट में डाला जाता है तो उसमें बोरिक एसिड, या राइस को लाया जाता है तो उसमें बोरिक एसिड को मिक्स करके रखा जाता है जिससे कि उसमें कीड़े नहीं लगते। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट प्रिजर्विंग फूड। तो ये कहां से पता चलता है? दीज ऑल इन्वेस्टिगेशन आर कम्स अंडर फूड साइंस। ठीक, अब आ जाती है टेक्निक ऑफ फूड
प्रिजर्वेशन। फूड साइंस की टेक्नोलॉजीज ऐसा सच नहीं है, तो वो आपको रीड नहीं करनी है, हमें पढ़नी है फूड प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? सबसे पहले आ जाती है थर्मल प्रोसेसिंग, जिसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करके हम फूड को प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाता है? कैनिंग। कैनिंग के अंदर क्या किया जाता है कि फूड को स्टोर किया जाता है इन अ एयर टाइट कंटेनर, बट उससे पहले उसे हीट किया जाता है एट अ टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या होता है, उसके अंदर जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं, और जो इंजाइम भी होते हैं जो इन फ्यूचर उसे खराब कर सकते हैं वो भी इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इट इज कॉल्ड कैनिंग, एयर टाइट कंटेनर में प्रिजर्व रखना, बट उससे पहले उसे हीट करना एट अ टेम्परेचर ऑफ मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि जैम्स, ठीक है, या आप सॉस, ठीक है। तो ये सब जो है ये होता है कैनिंग के अंदर। नेक्स्ट इज पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन जो कॉमनली किया जाता है मिल्क में, जो मिल्क के कैंस आते हैं, कंटेनर्स आते हैं, दैट इज उसमें कौन सा मिल्क होता है? पाश्चराइज मिल्क होता है। अगर आप उसे फ्रिज में रख दे बिना बॉयल किए, ऐसे अगर आप ओपन दूध लेते हैं तो आपको उसको इमिजिएटली विद इन हाफ एन आवर बॉयल करना होता है। अगर आप मार्केट से अमूल के पैक लेके आते हैं दूध के, तो आप उन्हें बिना बॉयल किए यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन कीप इट इन द फ्रिज एंड इट विल रिमेन यू कैन से फॉर इन अ हेल्दी स्टेट फॉर अबाउट 1 to 2 days, ठीक है। तो वो क्यों? क्योंकि वो जो दूध होता है कैंस में, दैट इज पाश्चराइज मिल्क। तो पाश्चराइज कैसे किया जाता है? उसे पहले हीट किया जाता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 60 to 90 degrees Celsius, एंड उसे फिर इमीडिएटली ठंडा कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि उसका जो फ्लेवर है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो तो इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाते हैं, ठीक। तो दैट इज पाश्चराइजेशन, और ये होता है मिल्क में। नेक्स्ट इज स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में क्या किया जाता है कि फूड प्रोडक्ट को हीट किया जाता है एट अ टेम्परेचर मोर देन 115 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर पे उसे हीट किया जाता है। फोकस वही है, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। एंड लास्ट इज ब्लांचिंग। ब्लांचिंग में क्या करते हैं कि फूड प्रोडक्ट को हॉट वाटर या स्टीम में थोड़े से टाइम के लिए डिप किया जाता है, और फिर उसे ठंडे पानी में या यू कैन से कि आइस में ठंडा कर लिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो उसका बाहर का जो टेक्सचर होता है ना, वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए या फर्दर यूज करने के लिए अच्छा हो जाता है। ये घरों में कॉमनली यूज किया जाता है, जब सब्जियां वगैरह लाई जाती है ना, तो उसे थोड़े टाइम के लिए रखने के लिए ये चीज यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्लांचिंग। ब्लांचिंग में क्या है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हॉट वाटर में या स्टीम में रखना, एंड देन इमीडिएटली कूल डाउन करना। सो ये चारों थी थर्मल प्रोसेसिंग, दैट इज कैनिंग, पाश्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन एंड ब्लांचिंग। फिर आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में जब टेम्परेचर को लो करके फूड को प्रोसेस किया जाता है। अब इसमें सबसे पहले आ गया फास्ट फ्रीजिंग, जिसमें इमीडिएटली और यू कैन से इन अ फास्टर टाइम फूड प्रोडक्ट को ठंडा किया जाता है एट अ टेम्परेचर ऑफ -18 डिग्री सेल्सियस। आपको इन सभी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा आपको इसका जो है ना पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से टेम्परेचर पे होता है, और इनका बेसिक लाइन ऑफ फंक्शन क्या है, कि ये किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। ज़्यादा डीपली नहीं आएगा MCQs में, अगर आया तो ये पूछ सकते हैं कि ये किस प्रोसेस के अंडर आता है, कि ये थर्मल है कि फ्रीजिंग है, एंड टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो टेम्परेचर पूछ सकते हैं कि कौन किस टेम्परेचर पे कैनिंग की जाती है, किस टेम्परेचर पे यू कैन से स्टरलाइजेशन की जाती है। तो फास्ट फ्रीजिंग का टेम्परेचर क्या है, -18 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है, आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जनरली मीट प्रोडक्ट्स में ये किया जाता है, और फ्रोजन फूड जो आते हैं दैट इज प्रोसेस थ्रू फास्ट फ्रीजिंग। नेक्स्ट आता है क्रायोजेनिक फ्रीजिंग। क्रायोजेनिक फ्रीजिंग में फूड प्रोडक्ट को लिक्विड नाइट्रोजन या ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड में डाला जाता है, और उसका जो टेम्परेचर होता है दैट इज एक्सट्रीमली लो, कितना, अबाउट -196 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या होता है ना, यूनिफॉर्म फ्रीजिंग होती है, मतलब हर पोर्शन पे, पोर्शन ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट यूनिफॉर्मली फ्रीज हो जाता है, तो जो उनका सेल स्ट्रक्चर होता है ना वो टूटता नहीं है, वो इंटैक्ट रहता है, और फूड का फ्लेवर जो होता है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी इंटैक्ट रहते हैं। तो क्रायोजेनिक में टेम्परेचर क्या है, अबाउट -196 डिग्री सेल्सियस, एंड इट लीड टू यूनिफॉर्म फ्रीजिंग, एंड प्रोडक्ट्स वही हैं, दैट इज अबाउट फ्रोजन फ्रूट्स और मीट प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट कम्स द ड्राइंग। ड्राइंग मतलब इन सब में जो फोकस है हमारा, दैट इज़ कि उसके मॉइस्चर जो है उसके अंदर से निकल जाए, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म के लिए एक तो प्रिजर्व हो जाए और उसे प्रोसेस करना भी इजी हो जाए। तो सन ड्राइंग, ये तो कॉमन
मेथड है जो आपके घरों में भी यूज होता होगा। आपने देखा होगा कि जब भी मदर्स अचार डालती हैं तो सब्जियों को पहले धूप में सुखाया जाता है ताकि उसका जो मॉइस्चर है, एक्सेस मॉइस्चर है, वो निकल जाए और फिर उसे अचार डाला जाता है और फिर उसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो सन ड्राइंग क्या है, जब धूप में रखी जाके, धूप में रख के जो भी फूड प्रोडक्ट्स है उनको, उनके अंदर का एक्सेस मॉइस्चर निकाला जाता है एंड देन इट इज प्रोसेस्ड। ठीक, देन कम्स द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या है, कंट्रोल ड्राइंग की जाती है, मतलब आप इसमें जो, अब जब धूप में रख रहे हैं तो आप टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते कि कितना अमाउंट ऑफ ड्राई होगा, बट डिहाइड्रेशन में क्या है, हॉट एयर स्प्रे की जाती है फूड प्रोडक्ट्स में और उसे ड्राई किया जाता है थ्रू द मेथड ऑफ अ कंट्रोल ड्राइंग। फाइन, नेक्स्ट इज फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग का ही अदर नाम है लायोफिलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें पहले प्रोडक्ट को ठंडा किया जाता है, जो भी फूड प्रोडक्ट हमें प्रोसेस करना है उसे पहले ठंडा किया जाता है, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू आइस। जब वो ठंडा हो जाता है देन इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होती है, इट इज अ प्रोसेस जहां पे जो सॉलिड स्टेट है वो डायरेक्टली कन्वर्ट की जाती है गैशियस स्टेट में, जो लिक्विड स्टेट है वो बाईपास हो जाती है। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट के अंदर मॉइस्चर है उसे पहले फूड प्रोडक्ट को कर दिया जाएगा फ्रीज, जिससे क्या होगा, बन जाएंगे वो आइस क्रिस्टल। फिर उसमें लो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा जिससे जो आइस क्रिस्टल में जो लिक्विड है, जो मॉइस्चर है, दैट विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर। ठीक, सो दिस इज कॉल्ड फ्रीज ड्राइंग और लायोफिलाइजेशन। और ये किन में होता है, कैंडीज हो गई, जो प्रोडक्ट्स हम पैक्ड प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कैंडीज हो गई या फिर सोडाज हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स, उनमें किया जाता है ये लायोफिलाइजेशन। नेक्स्ट इज स्प्रे ड्राइंग। स्प्रे ड्राइंग आपने देखा होगा जो ड्राई कॉफी मिलती है और ड्राई मिल्क पाउडर मिलता है, दैट इज प्रोसेस थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड स्प्रे ड्राइंग। इसमें लिक्विड को कन्वर्ट किया जाता है इन अ स्मॉल, यू कैन से मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड स्टेट में। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड स्प्रे ड्राइंग एंड इससे फॉर्म होता है जैसे पाउडर मिल्क और कॉफी। तो दिस इज कॉल्ड स्प्रे ड्राइंग। नेक्स्ट इज मैकेनिकल प्रोसेसिंग। कि मैकेनिकल मीन से हम कैसे फूड प्रोडक्ट को प्रोसेस कर सकते हैं, तो ये कॉमन प्रोसेसेस हैं जो हम नॉर्मली घरों में यूज करते हैं, दैट इज ग्राइंडिंग। जब किसी फूड प्रोडक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, ग्राइंडिंग, चॉपिंग, जब उन्हें काटा जाता है, ग्राइंडिंग में व्हेन यू अप्लाई द प्रेशर, प्रेशर अप्लाई कर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, चॉपिंग में है बाय कटिंग, कट करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, माइंसिंग में, चॉपिंग में साइजेस फिर भी थोड़े से बड़े होते हैं, माइंसिंग में कंपैरेटिवली चॉपिंग से साइजेस छोटे होते हैं। एंड लास्ट इज सीविंग। सीविंग में मतलब छानना, जो डस्ट पार्टिकल्स को अलग किया जाता है, घरों में आपने देखा होगा आटा छाना जाता है या चावलों को, तो दैट इज सीविंग। ठीक है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द मैकेनिकल प्रोसेसिंग टेक्निक। नेक्स्ट इज सेपरेशन। दिस इज अ टेक्निक जिसमें फूड प्रोडक्ट्स में जो अलग अलग मटेरियल्स मिलते हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है। तो कॉमन टेक्निक जो है दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, जिससे क्या है, जो क्रीम को, और यू कैन से बटर को, मिल्क से सेपरेट किया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, दो टाइप की फोर्सेस होती है, वन इज सेंट्रीपिटल, अदर इज सेंट्रीफ्यूगल। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उस पर दो फोर्सेस अप्लाई होती है, वन इज टूवर्ड्स द सेंटर और अदर इज आउटसाइड द सेंटर। तो टूवर्ड द सेंटर कौन सी होगी, सेंट्रीपिटल, और आउटसाइड में कौन सी होती है, सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक को यूज करके जो क्रीम है उसे मिल्क से सेपरेट किया जाता है। आपने देखा होगा वो जब मक्खन निकालते हैं मिल्क को, उसको मक्खन सर्कुलर वेज में उसको घुमा घुमा के क्रीम जो मिल्क होता है उससे बटर को सेपरेट किया जाता है, तो दैट इज अ टेक्निक विच इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कॉमनली जूसेस को फिल्टर आउट करने के लिए यूज किया जाता है। फिल्ट्रेशन इज अ कॉमन, जो घरों में भी आपने, यू ऑल आर नोन अबाउट दिस टेक्निक्स, जब एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से सेपरेट करना हो दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। प्रेसिंग या ऑलिव ऑयल को बनाने में नॉर्मली यूज किया जाता है, जहां पे प्रेशर अप्लाई करके चीजों से ऑयल निकाला जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिंग टेक्निक। नेक्स्ट इज नॉर्मली इन द प्रोसेसिंग ऑफ ऑयल दिस टेक्निक इज यूज्ड। नेक्स्ट इज हाई प्रेशर प्रोसेसिंग।
प्रेसिंग में भी प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, बट हाई प्रेशर प्रोसेसिंग में जो अमाउंट ऑफ प्रेशर है दैट इज वेरी लार्ज, जो कि कितना होता है अराउंड 600 मेगा पास्कल। टेक्निक सेम ही है, प्रेशर अप्लाई करके फूड को प्रोसेस कर रहे हैं, बट द अमाउंट ऑफ प्रेशर है दैट इज वेरी लार्ज, दैट इज अबाउट 600 मेगा पास्कल, एंड पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, राइट। नेक्स्ट इज इरेडिएशन, जहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे इंफ्रारेड रेज हो गई, वो अप्लाई करके, माइक्रोवेव्स वगैरह अप्लाई करके फूड को प्रोसेस किया जाता है, फूड को एडिबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेटिव्स, जहाँ पे फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए उसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, जैसे कि कॉमन क्या है, साल्ट, जो कि पिकल्स में ऐड किया जाता है, क्या कि विनेगर, ठीक है, दैट इज ऑल्सो प्रिजर्वेटिव, जिससे फूड प्रोडक्ट जो है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और वो जल्दी खराब नहीं होता। और कॉमनली जो केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है दैट इज सोडियम बेंजोएट। फाइन, तो दैट्स इट फॉर द फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स। नाउ अब हमें ये देखना है कि फूड प्रोसेसिंग करने की पर्पस क्या है, उससे हमें फायदा क्या हो रहा है, व्हाट इज द नीड ऑफ फूड प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले तो है प्रिजर्वेशन, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, जिससे क्या होता है फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, आप ज्यादा देर तक उसे स्टोर करके रख सकते हैं और काफी टाइम तक उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फूड की अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज होगी और फूड की जो वेस्टेज है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल फोर्टिफिकेशन, जैसे कि हमने देखा सॉल्ट के अंदर आयोडीन डालना या वीट और मेज के अंदर आयरन डालना, दैट इज कॉल्ड फोर्टिफिकेशन, उसके अंदर एडिशनल न्यूट्रिएंट्स डालना, तो दैट इज कॉल्ड फोर्टिफिकेशन। तो ये फूड प्रोसेसिंग के द्वारा ही हम जो फूड की है न्यूट्रिशनल, यू कैन से उसकी जो न्यूट्रिशनल फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज सेफ्टी, सेफ्टी जब हम फूड को प्रोसेस करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके अंदर के जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उसको खराब कर सकते हैं, जो इन लॉन्गर टर्म कैन लीड टू फूड बॉर्न डिजीज और इलनेस, उसे खत्म कर दिया जाता है। जैसे हमने देखा कैन में क्या कर रहे हैं, फूड को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर रहे हैं, बट उससे पहले उसको गर्म कर रहे हैं एट अ टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, जिससे क्या हो रहा है सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं। पाश्चराइजेशन में भी हम जो उसमें मिल्क के अंदर हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें किल कर रहे हैं, तो इस सब में क्या हो रहा है फूड की जो सेफ्टी है वो बढ़ रही है। फाइन, नेक्स्ट इज एनहांस सेंसरी क्वालिटीज, फूड का जो टेस्ट है उसका जो यू कैन से टेक्सचर है, अपीयरेंस है, उसे एनहांस किया जाता है फूड प्रोसेसिंग से। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि टोमेटो को क्या बना रहे हैं, टोमेटो सॉस, तो उसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा है टमाटरों से और उसका जो टेक्सचर है दैट इज ऑल्सो गुड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फूड की जो सेंसरी क्वालिटीज है उसे एनहांस हो रहा है। देन कम्स द कन्वीनियंस, अब आप देखो मार्केट में रेडी टू कुक फूड बहुत अवेलेबल है, पैक्ड फूड आते हैं जैसे कि वो गोलगप्पों के आते हैं, जस्ट यू हैव टू फ्राई एंड उसका जो मटेरियल ड्राई मटेरियल होता है पानी में मिक्स करो एंड उसका जो पानी भी तैयार हो जाता है, तो कन्वीनियंस है, बहुत आसान है बनाना, आपको कोई मटेरियल अलग अलग इकट्ठा नहीं करना है, उसे मिक्स नहीं करना, नहीं, वो ऑलरेडी आपको ड्राई फॉर्म में अवेलेबल है, यू जस्ट हैज टू मिक्स विद द वाटर, तो आपका वो सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, तो कन्वीनियंस है, ठीक। नेक्स्ट, अब चैलेंजेस क्या है फूड प्रोसेसिंग के, फूड प्रोसेसिंग तो हो रही है बट उसमें क्या ऐसी कमियां हैं जिन चीज़ों पे हमें फोकस करके रखना है। फर्स्ट इज पोटेंशियल लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देखिए दो तरीके के विटामिंस पाए जाते हैं फूड प्रोडक्ट में, एक होता है वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिंस कौन कौन से हैं, एक है विटामिन बी एंड सी। तो जब हम किसी भी फूड प्रोडक्ट को बॉयल करते हैं ना तो ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ना वो लीच आउट हो जाते हैं वाटर में, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल कंपाउंड्स, जब भी फूड को प्रोसेस किया जाता है तो कुछ ऐसी चीज़ें फूड के अंदर आ जाती हैं जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं होती, कुछ ऐसे एलर्जेंस बन जाते हैं या कुछ ऐसे मटेरियल्स उसके अंदर फॉर्म हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग जो कि लॉन्ग टर्म में हेल्थ के लिए सही नहीं होते। नेक्स्ट इज कॉस्ट, ये तो कॉमन ही है कि जो फूड प्रोसेस होता है वो उसका जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली रॉ फूड से ज़्यादा होती है, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज है ही। फाइन, अब आजकल क्या ट्रेंड्स हैं, रीसेंट ट्रेंड्स, जो रिसेंटली किन चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है फूड प्रोसेसिंग में, हम उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। पहला है क्लीन लेबलिंग, कि फूड प्रोसेसिंग होने के बाद जब फूड को मार्केट में बेचा जाए तो जिस भी कंटेनर में वो सेल किया जा रहा है
उस पर प्रॉपर लेबलिंग हो अबाउट इट्स न्यूट्रिएंट्स, अबाउट इट्स एफिकेसी, अबाउट इट्स हार्मफुल, अगर उसमें कुछ एलर्जेंस है तो उसके बारे में भी कम्प्लीटली मैंशनड हो, ताकि जो कंज्यूमर है जो उसे परचेज कर रहा है उसे कम्प्लीट वॉर्न किया जा सके, या उसे कम्प्लीटली अवेयरनेस हो कि किन चीज़ों को वो ले रहा है और कौन सी चीज़ें उसको अवॉइड करनी है. नेक्स्ट इज फंक्शनल फूड. देखिए फंक्शनल फूड क्या होते हैं, फंक्शनल फूड वो होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट है, न्यूट्रिएंट कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी के लिए एक एडिशनल बेनिफिट दे रहा है. जैसे कि ये नॉर्मली देखा गया है थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स कि जो फर्मेंटेड मिल्क होता है, मिल्क को जब फर्मेंट किया जाता है, जैसे कर्ड वर्ड बनाया जाता है, तो उसमें एक बायोएक्टिव पेप्टाइड बनता है. बायोएक्टिव पेप्टाइड जो कि हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनके लिए वो बहुत बेनिफिट होता है. ठीक है, तो वो सारे फूड प्रोडक्ट जिनके अंदर एक एडिशनल कंपोनेंट हो जो हमारे फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट करे एडिशनली, ठीक है, हमारे कुछ एक एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करे, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल फूड. और प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग से ऐसे ही फूड्स को मार्केट में लाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें ऐसे प्रोसेस किया जाए, कुछ एडिशनल उसमें चीज़ आए कि कहीं डायबिटीज के पेशेंट के लिए बेनिफिट हो जाए, कहीं हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए या हार्ट डिजीज के पेशेंट्स के लिए एडिशनल बेनिफिट हो जाए, जैसे बीट रूट हो जाते हैं या फिर यू कैन से स्वीट पोटैटो होता है, वो सब जो है उनमें जो है हार्ट पेशेंट्स के लिए दे हैव अ दे आर बायोएक्टिव इन नेचर और वो हार्ट पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. तो वो सब किसके अंडर आ जाते हैं, दैट कम्स अंडर द फंक्शनल फूड. नेक्स्ट इज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है, सस्टेनेबल का मतलब है कि रिसोर्सेज का इस तरह से यूज करना कि वो आज की जनरेशन के लिए तो अवेलेबल हूं, साथ ही साथ वो आने वाली जनरेशन के लिए भी बचे. ठीक है, तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का क्या मतलब हुआ कि जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं फूड की प्रोसेसिंग में, फूड की पैकेजिंग में, फूड की स्टोरेज में, वो इको फ्रेंडली हो, वो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे और उनसे जो भी वेस्ट हो वो मिनिमाइज हो. फाइन. नेक्स्ट इज नोवल प्रोसेसिंग टेक्निक्स. नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही हैं फूड प्रोसेसिंग में, जैसे कि अल्ट्रासाउंड का यूज हो रहा है, पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज हो रहा है. नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी इन फूड प्रोडक्शन. बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसमें जो फूड है, जो भी क्रॉप्स ग्रोन की जाती हैं उन्हें उनकी जो पेस्ट रेजिस्टेंस है कि कीड़ों मकोड़ों से उनसे उनकी जो रेजिस्टेंस है उसे इंक्रीज किया जाता है, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है और उसमें एडिशनल न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज भी किया जा रहा है फूड प्रोसेसिंग में. एंड द लास्ट इज प्लांट बेस्ड एंड ऑल्टरनेटिव प्रोटीन्स. उन सोर्सेज का पता लगाया जा रहा है जो प्रोटीन्स का, नॉर्मली ये माना जाता है कि जो प्रोटीन का मेन सोर्स है दैट इज मीट, फिश. ठीक है, तो अब जो है इन चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है कि प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन्स है उन पे ध्यान दिया जाए, वो लिए जाएं और ऑल्टरनेटिव प्रोटीन्स हो, ताकि जो है इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो मेनटेन रहे, इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना हो. तो आज हमने पढ़ा फूड साइंस और फूड प्रोसेसिंग के बारे में. तो फूड साइंस क्या है, वो सभी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फूड की कॉम्पोजिशन के बारे में हमने पढ़ना. और दूसरा फूड प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है, जहाँ पे हम फूड को रॉ मटेरियल से एडिबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. फिर हमने पढ़ा कि फूड प्रोसेसिंग फूड साइंस के ऑब्जेक्टिव क्या है, कि क्यों हमें फूड साइंस की ज़रूरत है. तो हमने देखा कि फूड साइंस की क्यों ज़रूरत है, ताकि हमें पता चले कि फूड के न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, तो एक यू कैन से कि एक इंटेलिजेंट डिसीजन लिया जाए कि कौन से फूड को लेना है और कौन से फूड को अवॉइड करना है. हमने ये भी हम देख सके कि कौन सा फूड किस मटेरियल के साथ इंटरैक्ट करता है, ताकि ये डिसीजन ले सके कि कौन सा फूड कहाँ स्टोर करना है, कौन से कंटेनर में स्टोर होगा. नेक्स्ट कि उसमें कौन से माइक्रोबियल स्पेक पाए जाते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह मिलते हैं फूड में. नेक्स्ट हमने देखा वेरियस टेक्निक्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, जिसमें हमने पढ़ा थर्मल टेक्निक्स के बारे में, जिसमें आ गई कैनिंग, देन स्टरलाइजेशन, पाश्चराइजेशन एंड ब्लांचिंग. फिर हमने पढ़ा फ्रीजिंग की टेक्निक्स, जिसमें फास्ट फ्रीजिंग एंड क्रायोजेनिक. देन वी स्टडी अबाउट मैकेनिकल प्रोसेसिंग, जिसमें ग्राइंडिंग, मिंसिंग और चॉपिंग एंड सीविंग वेरियस टेक्निक्स थी. देन वी ऑल्सो स्टडी अबाउट ड्राइंग. ठीक है, कि ड्राइंग से किस तरह से फूड को प्रोसेस किया जाता है. और लास्टली हमने किया था सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में.
तो आज हमने फूड साइंस और फूड प्रोसेसिंग को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेके आऊँगी केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड, और इसी के साथ हमारी यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगी। तो आप हार्डवर्क करते रहिए और मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेक्चर्स लाती रहूँगी। थैंक यू।